मध्य अटलांटिक महासागर में एक व्यापक खोज अभियान चल रहा है। ये खोज अभियान उस पनडुब्बी की तलाश कर रहा है जो पर्यटकों को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई। बीते रविवार पनडुब्बी समुद्र की गहराई में लापता हो गई। पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार थे। तलाश अभियान जोर शोर से जारी है। कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी में महज कुछ घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। बीते समय के साथ पनडुब्बी में सवार लोगों के बचने की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही हैं। बता दें कि पनडुब्बी का नाम टाइटन है। ये एक छोटी कैप्सूल के आकार की पनडुब्बी है। इसमें 5 लोग सवार हो सकते हैं। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई सीट नहीं है, बल्कि एक सपाट फर्श है जिस पर 5 लोग बैठ सकते हैं। अगर ये लापता हो जाए तो ऐसी स्थिति के लिए इसमें 4 दिन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन होती है। यात्रियों के लिए सीमित खाना होता है। यात्रा महज 8 घंटे की थी, यानी टाइटैनिक के मलबे को देखने से लेकर वापस आने तक का समय। टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई में है। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समुद्र के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। पनडुब्बी को जहाज पोलर प्रिंस ने रविवार को समुद्र में उतारा था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही जहाज से संपर्क टूट गया। खोज में अमेरिका और कनाडा की बड़ी एजेंसियों के अलावा गहरे समुद्र में जाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। पनडुब्बी सैन्य विमान सोनार बॉय की मदद से पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए रोबोट्स का भी सहारा लिया जा रहा है। इस पनडुब्बी में नामी ग्रामी लोग सवार हैं। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, इसके अलावा ब्रिटेन के बिजनेसमैन हशिम हार्डिंग, फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेबान दाऊद सवार हैं। ओशन गेट टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए हर यात्री से 2 करोड़ रुपए से अधिक चार्ज करता है। बचाव दल को पनडुब्बी की तलाश में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समुद्र एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। इसमें पानी के कई स्तर होते हैं, धाराएं होती हैं और समुद्र तल भी जमीन की तुलना में काफी ऊबड़ खाबड़ होता है। फिलहाल पनडुब्बी में सवार लोगों से संपर्क कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पानी के इतना नीचे ना तो GPS काम करता है और ना ही रेडियो। जानकार कहते हैं कि अगर पनडुब्बी मिल भी गई तो उसमें सवार लोगों को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पनडुब्बी में लोगों को सवार करके उसे बोल्ट से बंद कर दिया जाता है। अगर पनडुब्बी खुद पानी के ऊपर आ जाती है तो उसमें सवार लोगों का उससे बाहर निकलना खुद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बोल्ट को सिर्फ कंपनी के लोग ही खोल सकते हैं और उसके बाद ही पनडुब्बी में सवार लोग बाहर निकल सकते हैं। बता दें कि टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था, जो अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा ये जहाज रास्ते में एक आइसबर्ग से टकरा गया था। इस जहाज पर 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 मारे गए थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।